अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं, और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 7 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को और इसके पहले पार्ट को नीचे नोट डाउन कर लिए। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिफरेंट पार्ट के अंदर डिफरेंट एक्सप्रेशन गिवन है, आपने इन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड भी करके दिखाना है और सिंप्लीफाई भी करके दिखाना है। अब एक्सपेंड करने के मीनिंग होते हैं ब्रैकेट्स को हटाना, ब्रैकेट्स को रिमूव करना, या आप कह लें ब्रैकेट्स को ओपन करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस आपको ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई नजर आएंगी, आपने उनकी ब्रैकेट्स को हटाना है, रिमूव करना है, इसी को हम एक्सपेंड करना कहेंगे। और जब आप एक्सपेंड कर चुके होंगे तो जो टर्म्स बच जाएंगी उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई के मीनिंग होते हैं चीजों को सिंपलर टर्म्स में चेंज करना, चीजों को सिंपलर फॉर्म में आप कह लें एक्सप्रेस करना। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि अगर कोई टर्म्स ऐड हो सकती होंगी उनको हम ऐड कर देंगे, कोई टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो सकती होंगी उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर एक्सप्रेशन को आप अरेंज करके लिख सकते होंगे आप उनको अरेंज करके लिख देंगे। ये तमाम की तमाम चीजें सिंप्लीफिकेशन का पार्ट ही बनती है, इसी को हम सिंप्लीफाई करना कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में आपको यही कहा गया है कि आपको जो एक्सप्रेशंस दी जाएंगी आपने उन एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड भी करना है, यानी उनमें जो आपको ब्रैकेट्स नजर आ रही होंगी आपने बेसिकली उनको रिमूव करना है, और उसके बाद जो टर्म्स बचेंगे उनको सिंप्लीफाई भी करना है, यानी उन टर्म्स को सिंपलर फॉर्म में एक्सप्रेस भी करना है। तो ये हमारे पास हो गई क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर ए की तरफ। तो आप देखें नीचे पार्ट नंबर ए में आपको गिवन एक्सप्रेशन लिखी हुई नजर आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 जो कि इस राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर लिखा हुआ है 2a+3, आगे +5 है जो अगेन इस राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर एक और एक्सप्रेशन लिखी हुई है a+3। तो आपको मैं बता चुका हूँ जब भी आपने किसी भी राउंड ब्रैकेट को हटाना हो तो राउंड ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर या जो भी टर्म इस तरह लिखा होता है आपने उस नंबर या उस टर्म को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है और ब्रैकेट्स को हटा देना होता है। इस तरीके से हम इन ब्रैकेट्स को रिमूव कर पाते हैं। लेकिन अगर राउंड ब्रैकेट्स के ऊपर यहाँ पर कोई पार मौजूद होती तो पहले हम उस पार को यहाँ से खत्म करते अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या आप कह लें फॉर्मूलाज की मदद से, उसके बाद बाहर लिखी हुई टर्म्स को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते और ब्रैकेट्स हटाते। तो बेसिकली आपने यहाँ पर यही करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो दफ़ा आपको राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई नजर आ रही हैं और इन दोनों राउंड ब्रैकेट्स के बाहर आपको एक नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। तो आपने इस बाहर लिखे हुए नंबर को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और ब्रैकेट्स को हटा देना है। यही बेसिकली इन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना कहलाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस 4 के साथ। तो ये जो 4 है जो कि पॉजिटिव 4 है, इसके पीछे कोई साइन नहीं, आप इसको पॉजिटिव 4 कंसिडर करेंगे। आपने इसको अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म 2a के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसकी दूसरी टर्म पॉजिटिव 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको इसकी वर्किंग यहाँ पर रफ वर्क में करके दिखाऊंगा और यहाँ पर लिखता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 4 को पॉजिटिव 2a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर लिख लें 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 2a के साथ। अब देखिए ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो आपने दो तरीकों से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आपने साइन मैनेज करने होंगे। तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती है दोनों के साथ प्लस साइन हो तो प्लस प्लस क्या आता है, प्लस आता है। इसका मतलब है जो साइन बनता है मल्टीप्लीकेशन के केस में आप वही लगाते हैं। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सो प्लस 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 बनता है, तो आप यहाँ पर प्लस ही लगाएंगे। और इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी दो पॉजिटिव टर्म्स मल्टीप्लाई होती है तो आंसर में हमेशा पॉजिटिव टर्म मिलती है। आप इन दोनों तरीकों से इस चीज को समझ सकते हैं। अब आगे आप देखेंगे दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और मैं आपको मल्टीप्लाई करना बता चुका हूं कि जब भी दो या दो से ज्यादा टर्म्स मल्टीप्लाई होती है तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, या आप कह लें लेटर को लेटर के साथ। तो यहां पर आप देखें 4 है एक नंबर और एक नंबर 2 है, तो बेसिकली आपने इस नंबर को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 4 2 टाइम्स कितना होता है, आप यहां पे लिखेंगे 8।
और यहाँ पर ये सिंगल लेटर ही है और कोई लेटर मौजूद नहीं जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो, तो ऐसे केस में जो भी सिंगल लेटर या वेरिएबल आएगा आपने उसको अपने नंबर के आगे वैसे ही नोट डाउन कर लेना होता है। तो यहाँ पे जस्ट ये ए है तो आप आगे नोट डाउन कर लेंगे ए, तो इसका मतलब आपने पॉजिटिव फोर को पॉजिटिव टू ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव एट ए। तो ये यहाँ पर आप लिखेंगे पॉजिटिव एट ए। अब ये पहली टर्म है, पहली टर्म के पीछे आप पॉजिटिव का साइन लगा लें तो ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, नेगेटिव साइन होता तो वो लाजमी लगाते। अब आगे चलें, अब आपने इसी पॉजिटिव फोर को अगली टर्म यानी पॉजिटिव थ्री के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये साइन इंपॉर्टेंट है, आपने हमेशा इसको कंसीडर करना है। तो अब आपने फोर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, पॉजिटिव थ्री के साथ। अब देखिए ये दोनों टर्म्स के पीछे कोई साइन नहीं है तो आपने जाहिर बात है इनको पॉजिटिव कंसीडर करना है, थ्री के पीछे तो यहाँ पे क्लियर है प्लस है, फोर के पीछे नहीं है तो उसमें आपने खुद से कंसीडर कर लेना प्लस है। अगेन ऊपर ही बता चुका हूँ प्लस प्लस क्या होता है, प्लस यानी जो साइन बनता है वही लगाना है मल्टीप्लीकेशन के केस में, तो यहाँ पे प्लस बनता था प्लस ही लगाएंगे। यूं भी कह सकते थे दोनों टर्म्स पॉजिटिव है तो आंसर में पॉजिटिव टर्म ही मिलेगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे जस्ट दो नंबर्स ही हैं, फोर थ्री टर्म्स कितना होता है वो होता है 12, तो आप आगे लिख देंगे यहाँ पर आंसर आ गया पॉजिटिव 12, ठीक है। अब जब दो टर्म्स के दरमियान आप कुछ साइन जो है उसको लाजमी मेंशन करते हैं, जब भी दो टर्म्स के दरमियान साइन होगा वो लाजमी मेंशन होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस आपने लाजमी लिखना है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 को अंदर 2a और 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया और ब्रैकेट हटा दी, तो बेसिकली एक तरह का हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लिया जो यहाँ तक लिखी हुई थी। अब आगे भी ऐसे ही फॉलो करना है। अब आगे आप देखिए पॉजिटिव 5 लिखा हुआ है जो कि इस राउंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके अंदर ये एक्सप्रेशन मेंशन है a प्लस 3। तो अब आपने इस पॉजिटिव 5 को a के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम पॉजिटिव 5 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसके साथ, a के साथ। तो a के पीछे कोई साइन नहीं, आप इसको पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे और अगेन प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, अभी आपको यहाँ पर बताया तो आप प्लस ही लिख देंगे और 5 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5a। अगर सिंगल इस तरह नंबर लिखा हो, एक ही लेटर लिखा हो तो दोनों को मिलाकर लिख देते, वही उनकी मल्टीप्लीकेशन कहलाती है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय a कितना हो गया, 5a। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव 5a क्योंकि साइन आपके पास क्या आया, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव 5 है। यूं भी समझ सकते थे दोनों पॉजिटिव टर्म है, मल्टीप्लाई जब होंगी तो पॉजिटिव टर्म ही मिलेगी, इसलिए प्लस का साइन है। अब आगे आपने इसी पॉजिटिव 5 को नेक्स्ट टर्म यानी पॉजिटिव 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप पॉजिटिव 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 3 के साथ, प्लस प्लस, अगेन प्लस होता है, अब आपको बता चुका हूँ, और 5 3 टाइम्स कर देंगे, 5 3 टाइम्स कितना होता है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव 15, यानी 5 को ए से किया 5a, 5 को 3 से किया पॉजिटिव 15। अब देखिए यहां पर कहीं पे भी आपको ब्रैकेट्स लगी हुई नजर नहीं आ रही, इसका मतलब आपने अपने गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दिया है। अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी आपने अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होता है तो हम लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, वो वाली टर्म्स जिसके अंदर सेम वेरिएबल विद सेम पार आ रहा होता है, या आप कह लें जिसके अंदर सेम लेटर विद सेम पार आ रहा होता है। जैसे आप देखें जो पहली टर्म है इसमें ये लेटर ए मौजूद है, और इसी तरीके से जो थर्ड टर्म है इसके अंदर भी सेम लेटर ए मौजूद है, दोनों की पार भी सेम है, इधर भी कोई पार नहीं लगी हुई यानी वन है, इधर भी ए के ऊपर कोई पार नहीं यानी वन है। तो जब आपको सेम वेरिएबल या सेम लेटर विद सेम पार लिखा हुआ नजर आता है किसी टर्म्स में, उन्हीं टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलते हैं, इन्हीं को हम ऐड सेपरेट कर सकते होते हैं। तो आपने इनको हमेशा ग्रुप कर लेना, यानी हम पहले इनको ग्रुप कर लेते हैं, इनको सेपरेट, इनको अलहदा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 8a, आप लिखेंगे 8a, 5a लिखेंगे तो इसके पीछे प्लस का साइन है, हर टर्म को जो पीछे साइन होगा वो यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 5a। अब इसके बाद दो टर्म्स ही बचती है जिनको आप कॉन्स्टेंट टर्म्स बोलेंगे, जो कि 12 और 15 है, तो ये भी आपस में एक दूसरे के लिहाज से आप कह लें लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इनको लिख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव 12, आप लिखें पॉजिटिव 12, यहाँ पे लिखा हुआ पॉजिटिव 15, तो आप लिखेंगे पॉजिटिव 15। अब इनको सॉल्व कर लें, ये सिंपल है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 8a प्लस 5a, यहाँ पे भी देखिए कोई साइन नहीं है, आप प्लस कंसिडर कर सकते हैं, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी मल्टीप्लीकेशन केस में तो जो साइन आता है वही लगा देते हैं, एडिशन सबट्रैक्शन केस में जो साइन आता है वो करते हैं और लगाते हैं बड़ी टर्म का या बड़ी वैल्यू का साइन है, ये आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे प्लस 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 होता है तो आपने 8 में पहले 5 ऐड कर देना है, तो 8 प्लस 5 कितना होता है, नंबर को नंबर में ऐड करते हैं वो होता है 13, और जो भी वेरिएबल या लेटर इन दोनों में मेंशन होता है वो एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, दोनों के साथ ए तो आगे आ जाएगा ए, और साइन बड़ी टर्म का 8a बड़ी टर्म है उसके पीछे प्लस का साइन है तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो भी ऑब्वियस है कि ये पॉजिटिव ही कंसीडर की जाएगी। सो 8a प्लस 5a कितना हो गया 13a। अब यहाँ पे भी देखें प्लस प्लस क्या होता है, प्लस यानी प्लस करना है आपने, तो 12 प्लस 15 कितना होता है 27, आप यहाँ पे लिखेंगे 27, और साइन जो होता है आपके पास बड़ी टर्म का या आप कह लें बड़े नंबर का आएगा, यहाँ पे 12 और 15 में से बड़ा नंबर 15 है उसके पीछे प्लस है तो आप भी यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस, तो आपके ए पार्ट का आंसर आ गया 13a प्लस 27। आप इससे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आप देखें आपने अपने गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड भी कर लिया और सिंप्लीफाई भी कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को रीड कर देता हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है बाहर 9, जो कि इस राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर ये एक्सप्रेशन गिवन है 5 माइनस 2b। आगे लिखा हुआ है पॉजिटिव 3, जो एक और राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर ये एक्सप्रेशन गिवन है 6 माइनस 5b। तो आपने अगर इन राउंड ब्रैकेट्स को हटाना है तो बाहर लिखे हुए नंबर को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। जब हम बाहर लिखे हुए नंबर को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम ब्रैकेट्स हटा देंगे। इसी तरीके से हम इन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये राउंड ब्रैकेट लगी हुई है, इसके बाहर 9 लिखा हुआ है, तो आपने इस 9 को अंदर लिखे हुए 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और इसी एक्सप्रेशन की दूसरी टर्म -2b के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले हम 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे? 5 के साथ। तो मैं लिखूंगा, हम यहां पे मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं 9 को 5 के साथ। ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो अगेन प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। सबसे पहले आपने साइन मैनेज करना है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि प्लस प्लस क्या होता है, वो होता है प्लस, और मल्टीप्लीकेशन का केस है तो जो साइन बनता है वही लिखेंगे। तो प्लस 9 है, प्लस 5 है, तो प्लस प्लस क्या बन गया? प्लस, और 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 9 5 टाइम्स कितना होता है? वो होता है 45। तो आपके पास आंसर आ गया पॉजिटिव 45। तो आप यहां पे लिखेंगे पॉजिटिव 45। आप 45 के पीछे प्लस का साइन लगा दें तो ठीक है, ना लगाएं तो भी ऑब्वियस है, ये पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा। अब आपने इस पॉजिटिव 9 को अगली टर्म -2b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, अब हमने इस पॉजिटिव 9 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? -2b के साथ। तो पहले साइन मैनेज कर लेते हैं, ये पॉजिटिव टर्म है, वो नेगेटिव टर्म है, सो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का केस है, एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव टर्म है, तो जो साइन आएगा वही आप लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस बनता है, माइनस आया तो माइनस ही लिखेंगे। बाकी नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, या यूं भी कह सकते हैं लेटर को लेटर के साथ, नंबर को नंबर के साथ। नंबर तो दो ही है यहां पर, 9 और ये -2, तो साइन तो हमने मैनेज कर ली है, प्लस माइनस माइनस यहां पर लिख चुका हूं। जस्ट 9 को अब आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो 9 2 टाइम्स कितना होता है? 18। और ये सिंगल लेटर यहां पर मौजूद है, ऐसे केस में जब सिंगल लेटर मौजूद हो और कोई लेटर ही नहीं जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाया जाता, तो इसको आप अपने नंबर के आगे वैसे उतार लेंगे, तो ये बी आगे वैसे ही आ जाएगा। इसका मतलब जब आप पॉजिटिव 9 को -2b के साथ करेंगे तो आंसर आएगा -18b। तो आप यहां पे लिख लें -18b। तो आपने इस पहली वाली एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लिया, यहां से आप देख लें ब्रैकेट्स को आपने रिमूव कर लिया। अभी जो दूसरी एक्सप्रेशन है जिसके अंदर एक और आप कह लें जो है ब्रैकेट्स लगी हुई नजर आ रही है, अब आपने इनको हटाना है, इन ब्रैकेट्स को आप कह लें यहां से रिमूव करेंगे। अब आप तो अगेन रूल वही रहेगा कि यहां पर भी इस राउंड ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव 3 लिखा हुआ है, आपने इस पॉजिटिव 3 को पहली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट्स को हटा देना है। तो पहले पॉजिटिव 3 को हम 6 के साथ करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव 6 के साथ। तो अगेन प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। अभी आपको यहां पे बताया, तो जो साइन बनता है मल्टीप्लीकेशन केस में वही लिखेंगे और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 टाइम्स कितना होता है? वो होता है 18। तो आंसर आ गया पॉजिटिव 18। आप यहां पे लिख देंगे पॉजिटिव 18, जहां तक हमने कर लिया। तो अब आपने इसी पॉजिटिव 3 को नेक्स्ट टर्म -5b के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, अब आप पॉजिटिव 3 को मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं -5b के साथ। तो पहले साइन मैनेज कर लें, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, तो प्लस माइनस कितना होता है? माइनस। यहां पे अभी आपको मैंने बताया, आप देख सकते हैं प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो मल्टीप्लीकेशन केस में जो साइन आएगा वो यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा माइनस। अब आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, या यूं कह सकते हैं लेटर को लेटर के साथ, नंबर को नंबर के साथ। तो 3 5 टाइम्स कितना होता है? वो होता है 15। यहाँ पे सिंगल लेटर मौजूद है और कोई इस तरह का मौजूद है ही नहीं यहाँ पर लेटर, तो इसलिए इसको आप एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, तो बी यहाँ पर साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो आंसर आ गया -15b। यानी जब पॉजिटिव 3 को -5b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा -15b। तो आप यही यहां पे लिख लेंगे -15b। तो अब आप देख सकते हैं आपने ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया है, कहीं पे भी आपको ब्रैकेट्स लिखी हुई नजर नहीं आ रही, तो आपने इस पूरी एक्सप्रेशन को अब एक्सपेंड कर लिया है। अब आप क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप लाइक टर्म्स जो हैं उनको जो है ग्रुप करते हैं, उनको अलहदा करते हैं। और लाइक टर्म्स क्या होती हैं? वो टर्म्स जिनमें आपको सेम वेरिएबल विद सेम पार या सेम लेटर विद सेम पार लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। तो आप देखें ये 45 और 18 तो कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, इनमें कोई वेरिएबल या आप कह लें लेटर मौजूद नहीं है, तो इनको आप पहले अलग कर लें। ये लिखा हुआ यहाँ पे 45, इसको लिख लें। यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, इसके पीछे प्लस का साइन है, वही यूज करेंगे, तो प्लस 18, ये तो आपने अलग कर लिया। अब जो टर्म्स बची हैं वो हैं दो ही, एक -18b और एक -15b, और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स के अंदर b लिखा हुआ है और उस b की पार भी सेम है, यानी एग्जैक्टली आप कह लें कि ये दोनों टर्म्स को हम कह सकते हैं कि ये लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनमें सेम लेटर मौजूद है विद सेम पार, इधर भी b इधर भी b। तो अब इनको ग्रुप कर लें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है -18b। याद रखिएगा जो भी टर्म लिखेंगे उसके जो पीछे साइन होगा वो वैसे ही लगाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है -15b, तो यहाँ पर आ जाएगा -15b। अब इनको सॉल्व कर लें। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस हैं ये, 45 के पीछे कोई साइन नहीं है, प्लस है, 18 के पीछे प्लस है, सो प्लस प्लस
प्लस, यानी प्लस करना होता है, यहाँ पे आपने प्लस करना है, साइन बड़ी वैल्यू का लगाना है। तो 45 प्लस 18 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 63, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 63, और साइन बड़ी वैल्यू का, 45 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी आप पॉजिटिव लगाएंगे, ना भी लगाएं तो ऑब्वियस है ये पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा। आगे चले, यहाँ पे लिखा हुआ नेगेटिव 18, यहाँ पे लिखा हुआ नेगेटिव 15, यानी नेगेटिव 18 भी और नेगेटिव 15 भी, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है। माइनस माइनस क्या बना आपके पास, वो बना प्लस, तो आपको प्लस करना है, लगाना नहीं है, करना है। तो आप पहले क्या करें, नंबर को नंबर में ऐड कर दें, तो 18 में आप ऐड कर दें 15, तो कितना आता है 18 प्लस 15 कितना होता है 33, और जो लेटर या वेरिएबल साथ लिखा होता है उसको आप एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, या फिर दोनों के साथ बी लिखा हुआ है ये आप एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, और साइन आएगा बड़ी टर्म का, 18B और 15B में से 18B टर्म बड़ी है, तो जो टर्म बड़ी होती है उसके पीछे वाला साइन यूज करते हैं, उसके बिल्कुल पीछे आप देखिए माइनस लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। इसका मतलब आपके पास इसका आंसर आ गया 63 माइनस 33B, यही आपने फाइंड आउट करके दिखाना था, तो आपने इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड भी कर लिया और सिंप्लीफाई भी कर लिया। तो यहाँ पे बी पार्ट खत्म हुआ, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है मैं उसको रीड कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सी, जो कि इस राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर एक एक्सप्रेशन गिवन है 3c+1, उसके आगे लिखा हुआ है पॉजिटिव 2c, जो कि इस राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर एक और एक्सप्रेशन गिवन है c+3। तो आप जब इन राउंड ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो आपको बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इसी तरीके से हम इन एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड कर पाएंगे। तो हमने इसी तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सी लिखा हुआ है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म यानी 3c के साथ, और फिर इसी बाहर लिखे हुए सी को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन की दूसरी टर्म यानी पॉजिटिव 1 के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम सी को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म जो कि है 3c के साथ। अब आप देखें यहाँ पर सी लिखा हुआ है, सी के साथ एज अ कॉफिशियंट कोई भी नंबर मैंशन नहीं है, तो आप इसलिए अपनी आसानी के लिए यहां पे खुद से 1 लिख सकते हैं। आप ये ना भी लिखें तो ये ऑब्वियस होता है, लिख लेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। अब आप देखें यहां पे बन गया 1c और यहां पे बन गया 3c, इन दोनों के पीछे कोई भी साइन मौजूद नहीं है, तो आप इनको पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, ये भी पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, ये भी पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। तो आप सबसे पहले साइन को मैनेज करें, साइन कैसे मैनेज होंगे, ये प्लस है और ये भी प्लस है, सो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, प्लस प्लस क्या होता है, वो होता है प्लस, यानी मल्टीप्लीकेशन के केस में जब भी दो टर्म्स पॉजिटिव आएंगी तो आंसर में भी पॉजिटिव टर्म मिलेगी, इसका ये मतलब भी होता है, और यूं भी कह सकते हैं प्लस प्लस क्या बनता है, प्लस, जो साइन बनता है वही आपने लगाना होता है। तो यहाँ पे प्लस बना, तो आप यहाँ पर पहले प्लस लिख देंगे, तो साइन आपने मैनेज कर लिए। अब आपको चीज़ें पता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, या हमारे केस में कह सकते हैं इस लेटर को लेटर के साथ और नंबर को नंबर के साथ, दोनों के मीनिंग सेम है। तो पहले नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3, और cc के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब भी दो सेम एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं उनके ऊपर पार्ट 2 आ जाती है, या आप कह लें हम उनको स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां पे भी c है, यहां पे भी c है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो cc टाइम्स कितना हो जाएगा c2, इसी को हम स्क्वायर पढ़े होते हैं इस पार्ट 2 को। तो इसका मतलब जब आपने पॉजिटिव 1c को 3c के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया पॉजिटिव 3c2, तो आप यहां पे लिख लें पॉजिटिव 3c2। अब यहां पे आप पीछे प्लस का साइन लगा लें तो ठीक है, ना लगा लें तो भी ओके। तो अब आप क्या करें, अब इसी सी को आपने इस नेक्स्ट टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब आपने सी को मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव 1 के साथ, तो यहाँ पे 1 के पीछे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, और इस सी के पीछे कोई साइन नहीं है तो आप इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। अब देखिए अगेन यहाँ पे सी के साथ एज अ कॉफिशेंट कोई भी नंबर मैंशन नहीं है, तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था आप यहाँ पर अपनी आसानी के लिए खुद से 1 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ओके। तो पहले साइन मैनेज कर लें, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और अभी बताया प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी आपको यहाँ पर प्लस ही लगाना है, यूँ भी कह सकते हैं दो पॉजिटिव टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आंसर में पॉजिटिव टर्म ही मिलेगी, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही आएगा। अब आप नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, या कह सकते हैं लेटर को लेटर के साथ, तो यहाँ पे दो नंबर हैं 1 और 1, तो 1 1 टाइम्स कितना होता है 1, और यहाँ पे सिंगल लेटर सी आ रहा है, तो जब भी सिंगल लेटर मौजूद हो और कोई लेटर है ही नहीं जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाया जाए, तो इसको हम एज इट इज नीचे नोट डाउन कर लेते हैं, तो ये सी जस्ट इस नंबर के साथ एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब जब इस पॉजिटिव 1c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव 1c, तो यही आप यहाँ पर लिख लें पॉजिटिव 1c। अब आप देख सकते हैं जो स्टार्ट वाली राउंड ब्रैकेट थी वो रिमूव हो चुकी है, यानी जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सप्रेशन गिवन थी हमने उसको एक्सपेंड कर लिया, यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट्स लगी हुई नज़र नहीं आ रही। अब इसी पैटर्न पे आगे भी हम करेंगे। अब आगे आप देखें पॉजिटिव 2c मल्टीप्लाई हो रहा है इस राउंड ब्रैकेट के साथ जिसके अंदर एक्सप्रेशन मैंशन है c+3, तो अगेन आपने जो ये बाहर लिखी हुई टर्म है जो कि पॉजिटिव 2c है इसको सबसे पहले c के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद
3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और ब्रैकेट्स को हटा देना है। तो कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम इधर बाहर जो पॉजिटिव 2c लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इधर पहली वाली टर्म के साथ जो कि जस्ट c है, और अगेन आप अपनी आसानी के लिए इस c के साथ कोई कॉफिशेंट मैंशन नहीं है, 1 लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको ऊपर लिखना बताया। तो इस 1c को आप कह लें कि इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो आप इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, पहले साइन मैनेज कर लें। सो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, अभी ऊपर बताया प्लस 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 होता है, मल्टीप्लीकेशन के केस में जो साइन बनते हैं वही लगाने होते हैं, तो यहाँ पे प्लस लगा लें। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वन टाइम्स कितना होता है, वो होता है 2, और लेटर्स को लेटर्स के साथ, तो यहाँ पे सी सी टाइम्स कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर। अभी ऊपर भी आपको बता चुका हूँ जब भी दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती है उनके ऊपर पार्ट 2 आ जाती है, या आप कह लें उनको स्क्वायर फॉर्म में लिखा जाता है, तो सी मल्टीप्लाई बाय सी सी स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, पॉजिटिव 2c स्क्वायर। तो आप यहां पे लिख लें पॉजिटिव 2c स्क्वायर। अब आपने इसी पॉजिटिव 2c को नेक्स्ट टर्म यानी पॉजिटिव 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम यहां पे लिखेंगे पॉजिटिव 2c मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट टर्म जो कि पॉजिटिव 3 है। तो देखें ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगेन बता चुका हूं प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी आपने प्लस का साइन लगाना है, यहां पर प्लस का साइन लगा दें। अब नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से करेंगे वो कितना हो जाएगा 6, और यहां पे सिंगल लेटर ही मौजूद है तो जब सिंगल लेटर या सिंगल वेरिएबल मौजूद हो उसको जस्ट आप एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, तो सी यहां पर जस्ट एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव 2c को जब पॉजिटिव 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव 6c, तो यहां पर आ गया पॉजिटिव 6c। तो 2c को c के साथ मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव 2c स्क्वायर, पॉजिटिव 2c को प्लस 3 के साथ किया तो 2 3 टाइम्स 6 हो गया और c साथ वैसे ही आ गया यानी पॉजिटिव 6c। अब आप देख सकते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन में आपको कहीं पे भी ब्रैकेट्स लगी हुई नजर नहीं आ रही, इसका मतलब हम इसको एक्सपेंड कर चुके हैं, अब जस्ट हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या तरीका देखना होता है, आपने क्या रूल फॉलो करना होता है कि आप लाइक टर्म्स को ग्रुप करते हैं, लाइक टर्म्स को सेपरेट करते हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, वो टर्म्स जिसमें आपको सेम वेरिएबल या आप कह लें सेम लेटर विद सेम पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। जैसे आप देखें जो यहाँ पे सबसे पहली टर्म है इसमें सी लिखा हुआ है उसके ऊपर पार्ट 2 है यानी सी स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो थर्ड टर्म है इसमें भी सी लिखा हुआ है उसके ऊपर भी पार्ट 2 यानी सी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये दोनों टर्म में सेम लेटर विद सेम पार मौजूद है इसलिए हम इनको लाइक टर्म्स बोलेंगे, आप इनको ग्रुप कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लें 3c स्क्वायर, उसके बाद नेक्स्ट टर्म अपने साइन के साथ जो उसके पीछे मौजूद होता है यानी पॉजिटिव 2c स्क्वायर। अब इसके अलावा दो ही टर्म्स बचती हैं, एक ये सेकंड वाली और एक ये लास्ट वाली, इन दोनों में आप देख सकते हैं सी मौजूद है सेम लेटर आप कह लें विद सेम पार, तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, इनको अलग कर लें। यहाँ पे लिखेंगे पहले पॉजिटिव 1c और उसके बाद लास्ट वाली टर्म लिखेंगे जो कि है पॉजिटिव 6c। अब सॉल्व कर लें, यहाँ पे 3c स्क्वायर के पीछे कोई साइन नहीं है तो आप इसे पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, सो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है, यहाँ पे जो साइन बनता है वो करना होता है, सो प्लस प्लस क्या बना, प्लस, तो आपको प्लस करना है, लगाना नहीं है, करना है। तो तरीका क्या है, नंबर को नंबर पे प्लस कर दें, 3 + 2 कितना होता है 5, और जो भी लेटर जो भी वेरिएबल साथ लिखा होता है हमारे केस में सी स्क्वायर लिखा हुआ है उसको आगे वैसे ही नोट डाउन कर लें, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, यानी 3c² + 2c² कितना हो गया 5c², और साइन जो होता है वो बड़ी टर्म का आता है, 3c² बड़ी टर्म है उसके पीछे प्लस का साइन है, तो आप भी यहाँ पे प्लस का लगाएंगे, ना भी लगाएं तो भी ठीक है, ये ऑब्वियस पॉजिटिव ही कंसिडर की जाएगी। आगे चलें, यहाँ पे पॉजिटिव 1c है, यहाँ पे पॉजिटिव 6c है, अगेन प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी आपने प्लस करना है, किसको प्लस करेंगे, नंबर को नंबर में, 6 में 1 प्लस कर दें वो कितना होता है 7, और जो लेटर आगे लिखे होते हैं इसको वैसे ही नोट डाउन कर लें तो सी वैसे ही आ गया, यानी 1c + 6c कितना हो गया 7c। अब साइन जो होगा बड़ी टर्म का आएगा, 1c और 6c में से 6c बड़ी टर्म है, इसके पीछे प्लस का साइन है तो आप भी यहाँ पे लगा देंगे प्लस का साइन, तो इसका मतलब आपके सी पार्ट का आंसर आ गया 5c² + 7c। तो आपने अपने गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड भी कर दिया, ब्रैकेट्स भी हटा दी, और उसके बाद इन टर्म्स को सिंप्लीफाई भी कर दिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो लिखी हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6d जो कि इस राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर एक एक्सप्रेशन गिवन है 5d - 4। आगे लिखा हुआ है प्लस 2d जो कि इस राउंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर एक्सप्रेशन गिवन है 3d - 2। तो अगर आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो उसके लिए जो बाहर लिखी हुई टर्म है उसको अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। जब आप बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तब आप ये ब्रैकेट्स हटा देंगे, इसी तरीके से आप इन एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट में पॉजिटिव 6d लिखा हुआ है, आपने सबसे पहले इसको 5d के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन की दूसरी टर्म नेगेटिव 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं आपको वर्किंग यहां पर करके दिखाऊंगा कि सबसे पहले आपने 6d को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5d के साथ। तो आप देखें ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, इनके पीछे कोई साइन नहीं है तो आप इनको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, सबसे पहले इनका साइन मैनेज कर लें। सो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया प्लस
प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी पॉजिटिव साइन के साथ तो आंसर में भी पॉजिटिव टर्म मिलेगी, यू भी समझ सकते हैं और यूं भी कह सकते हैं प्लस प्लस क्या होता है प्लस। तो मल्टीप्लीकेशन में केस में जो साइन बनता है वही लगाते हैं, तो यहाँ पे आप पहले लगा देंगे प्लस। अब अगला रूल आपको पता ही है, जब भी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो नंबर्स नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं और वेरिएबल्स वेरिएबल्स के साथ, या हमारे केस में कह सकते हैं लेटर लेटर के साथ, नंबर नंबर के साथ। तो पहले 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 6 5 टाइम्स कितना होता है 30, और ये डी जो है ये डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो डी मल्टीप्लाई बाई डी कितना होता है डी स्क्वायर। जब भी दो एक जैसी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं उनके ऊपर पार्ट टू आ जाती है, या आप कह लें वो स्क्वायर फॉर्म में लिखा जाते हैं, जिस तरह डी मल्टीप्लाई बाई डी कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, क्योंकि दोनों डी एक जैसे थे और मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसी को हम स्क्वायर पढ़ रहे होते हैं। तो इसका मतलब 6d को 5d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 30d स्क्वायर आ जाएगा। तो आप यहां पे लिख दें पॉजिटिव 30d स्क्वायर। इसके पीछे प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्वियस ही है, ये पॉजिटिव टर्म ही कंसीडर की जाती है। तो आगे आप देखें 6d को आपने नेगेटिव 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, दूसरी टर्म नेगेटिव 4 है, तो यहां पे लिख दें 6d जो कि मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, नेगेटिव 4 के साथ। अब आप देखें 6d के पीछे कोई साइन नहीं, आप प्लस कंसीडर करेंगे, यहां पे तो नेगेटिव आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, पहले साइन मैनेज कर लें। सो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन का केस है, सो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, जो साइन बनेगा उसी को लिखेंगे, सो प्लस माइनस माइनस बनता है उसी को लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन के केस में। आगे रूल्स वही हैं, नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, या हमारे केस में कह सकते हैं लेटर को लेटर के साथ। सो 6 को 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 टाइम्स होता है 24, यहाँ पे सिंगल लेटर डी लिखा हुआ है और कोई है ही नहीं जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाए, सो ऐसे केस में इस लेटर को जस्ट अपने नंबर के आगे लिख देंगे तो ये बन जाएगा -24d। इसका मतलब पॉजिटिव 6d को जब नेगेटिव 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस, यानी नेगेटिव 24d। तो आपने 6d को 5d से किया 30d स्क्वायर, 6d को नेगेटिव 4 से किया नेगेटिव 24d। अब आप देख सकते हैं जो यहां तक इस पहली ब्रैकेट तक एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, इसमें जो ब्रैकेट्स थी वो अब आप देख सकते हैं खत्म हो चुकी हैं, यानी यहां तक हमने एक्सपेंड कर लिया है। अब आगे भी ऐसे ही फॉलो करना है। अब देखें यहां पे पॉजिटिव 2d लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन की पहली टर्म 3d के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और इसी पॉजिटिव 2d को अगली लिखी हुई टर्म नेगेटिव 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव 2d को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं अंदर लिखी हुई पहली टर्म जो कि है 3d, और ये भी इसके पीछे कोई साइन नहीं, आप इसे पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। अगेन पहले साइन मैनेज करेंगे, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था, मल्टीप्लीकेशन का केस है तो जो साइन बनेगा वो लगा देंगे, यानी प्लस आ जाएगा क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है प्लस। और अब आप नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो होता है 6, और लेटर लेटर के साथ तो डी डी टाइम्स। जब भी दो सेम वेरिएबल सेम लेटर आप कह लें मल्टीप्लाई होते हैं उनके ऊपर पार्ट टू आ जाती है, दोनों सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो डी मल्टीप्लाई बाई डी कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर आ गया पॉजिटिव 6d स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव 6d स्क्वायर। अब आपने इसी टर्म को जो कि पॉजिटिव 2d थी, नेक्स्ट टर्म जो कि नेगेटिव 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब आप पॉजिटिव 2d को मल्टीप्लाई करवाएंगे नेगेटिव 2 के साथ। तो पहले साइन मैनेज करें, यहाँ पे प्लस है वहाँ पे नेगेटिव है, सो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी आपको भी देखिए बताया था मल्टीप्लीकेशन का केस है, प्लस माइनस क्या आता है माइनस, वही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आगे नंबर को नंबर से कर दें, 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा 4, एक सिंगल ही लेटर है, अगर आपको सिंगल लेटर आ रहा हो और कोई है ही नहीं यहाँ पर जिसके साथ ही मल्टीप्लाई होता तो इसको आप साथ वैसे ही लिख लेते हैं, तो डी वैसे ही। सो पॉजिटिव 2d मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 2 कितना हो गया नेगेटिव 4d, आप यहाँ पर लिख दें नेगेटिव 4d। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये वाली एक्सप्रेशन आई है नीचे, इसमें कहीं पर भी ब्रैकेट्स लगी हुई नजर नहीं आ रही, इसका मतलब हम एक्सपेंड कर चुके हैं। अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या रूल यूज करते हैं, हम लाइक टर्म्स को अलग करते हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं, वो टर्म्स जिनमें आपको सेम वेरिएबल विद सेम पार, या आप कह लें सेम लेटर विद सेम पार लिखे हुए नजर आ रहे होते हैं। तो आप देखें जो पहली टर्म है इधर भी डी स्क्वायर लिखा हुआ है, और जो थर्ड टर्म है इसमें भी डी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स कहलाएंगी क्योंकि दोनों में सेम लेटर है विद सेम पार, तो इसलिए हम इनको लाइक टर्म्स बोलेंगे, इनको हम अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लें 30d स्क्वायर को, उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो कि 6d स्क्वायर है, इसके पीछे प्लस का साइन है, इसी के साथ हमेशा लिखेंगे, तो लिख लेंगे प्लस 6d स्क्वायर, जो टर्म के पीछे साइन होता है वो यहाँ पर लिखते हैं। अब आगे ये दो ही टर्म्स बची, इन दोनों टर्म्स में आप देख सकते हैं सेम लेटर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है विद सेम पार, तो ये भी एक लिहाज से लाइक टर्म्स हुई, इनको अलग कर लें। तो यहाँ पे ये टर्म लिखी हुई है नेगेटिव 24d, इसके पीछे साइन नेगेटिव है तो आप भी लगाएंगे नेगेटिव 24d। आगे लास्ट टर्म है नेगेटिव 4d, तो आप लिखेंगे नेगेटिव 4d। अब इनको सॉल्व कर लें, ये एडिशन सबट्रैक्शन के केसेस हैं, तो यहाँ पे 30d स्क्वायर के पीछे कोई साइन नहीं है, आप लिखेंगे प्लस। तो अब आप यूं करेंगे कि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, सो प्लस प्लस क्या होता है प्लस। अब ये एडिशन सबट्रैक्शन का केस है, एडिशन सबट्रैक्शन के केस में जो साइन बनता है वो करना होता है, यानी प्लस 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 बना आपने प्लस करना है। तो तरीका क्या है, नंबर को नंबर में ऐड करें, 30 प्लस 6 कितना होता है
36, और जो वेरिएबल या जो भी लेटर आगे लिखा होता है वो एज इट इज नोट डाउन कर लें। यहाँ पे भी डी स्क्वेयर है, यहाँ पे भी डी स्क्वेयर, ये साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। साइन बड़ी टर्म का आता है, यहाँ पे 30 डी स्क्वेयर जो है वो बड़ी टर्म है, उसके पीछे प्लस का है, आप यहाँ पे प्लस लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ऑब्वियस है। अब आगे चलें, यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव 24 डी, यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव 4 डी, सो माइनस माइनस अगेन क्या होता है प्लस, यानी प्लस करना है, तो आप 24 को 4 में क्या कर देंगे ऐड, तो 24 प्लस 4 कितना होता है, वो होता है 28। जो वेरिएबल या लेटर साथ लिखा होगा उसको एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, दोनों में डी है, यहाँ पे डी आ जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का यानी बड़ी टर्म का, तो 24d बड़ी टर्म है 4d के साथ, इसके पीछे माइनस है, तो आप भी क्या लगाएंगे माइनस का साइन। इसका मतलब आपने अपने गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड भी कर लिया और उसके बाद यहाँ तक सिंप्लीफाई भी कर लिया, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट डी खत्म हुआ, इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।